नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे जीएसटी की, जिसे अप्रत्यक्ष कर भी कहते हैं। जीएसटी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी किसे कहते हैं क्रमशः। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे और चर्चा करेंगे कि यूटीजीएसटी किसे कहते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल टर्म्स में समझ सकते हैं कि ऐसा जीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है वह क्या होता है, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। इस वीडियो से यानी इस टॉपिक से जुड़े हुए यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे, या फिर आपके पास टैक्स जुड़े हुए कोई भी प्रश्न हो तो उसे भी आप हमें बता सकते हैं। आगे हम समझते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो को हम लोग यानी इस टॉपिक को हम लोग तीन पार्ट में समझेंगे और जानेंगे। पहला होता है परिचय। हम लोग समझेंगे कि यूटीजीएसटी का परिचय क्या होता है। दूसरा समझेंगे कि परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है यूटीजीएसटी का। और तीसरा समझेंगे विशेषताएं क्या हैं यूटीजीएसटी की, यानी फीचर कौन कौन से हैं जिसे हम कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूटीजीएसटी का, यानी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी का क्या है कैरेक्टर। हम लोग इन तीनों बातों को हम लोग बेस बना करके समझेंगे कि यूटीजीएसटी क्या होता है विस्तार से। अगर मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, समझाता हूँ वन बाई वन करके, तो एग्ज़ाम में भी आपको आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकेंगे। और यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है तो बताते रहेंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर भी देते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि परिचय यानी इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी को अंग्रेजी में यूटीजीएसटी या फिर यूजीएसटी भी कहते हैं। आप लोग यहाँ समझेंगे कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी है, जो जीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है उसको हम लोग अंग्रेजी में यूटीजीएसटी या फिर यूजीएसटी भी कहते हैं। अगर आपसे कोई कहे यूटीजीएसटी या फिर यूजीएसटी कहे तो आप लोग दोनों को एक ही समझेंगे, भ्रमित नहीं होंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पर इतना पूरा का पूरा कंटेंट लिखने का मतलब ये है कि आपको नोट्स बनाने में भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको सारे के सारे कंटेंट को लिख करके बताता हूँ, समझाता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग। इसका पूरा नाम यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। यहाँ पर आप लिखा गया है कि यूटीजीएसटी या फिर यूजीएसटी, तो यूटीजीएसटी और यूजीएसटी जो एक ही है, इसका जो भी फुल फॉर्म है यानी पूरा नाम है वह है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना, आप लोग इसको याद कर लेंगे। इसे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत लगाया जाता है। यानी जो भी यूटीजीएसटी है वह भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में ही लगता है, राज्यों में नहीं लगता है। यहाँ पे आप लोग इस बात को समझेंगे। और जो यूटीजीएसटी है इसको लगाने के लिए हमारे भारत में, हमारे भारत की संसद में एक लॉ पास किया गया है जिसको कहते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017, यानी यूटीजीएसटी एक्ट 2017। जिस तरीके से एसजीएसटी एक्ट 2017 था, उसके बाद से सीजीएसटी एक्ट 2017 था, तो उसी तरीके से यहाँ पर यूटीजीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग ही हमारे देश में यह जो भी यूटीजीएसटी है लगाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, आगे चल के बहुत काम आएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं आपको अलग से एक बात बता देता हूँ कि हमारे देश में जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वे दो तरीके से हैं, दो तरह के केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी हमारी कंट्री में टू टाइप्स ऑफ यूटीज हैं, ठीक है ना, क्या हैं यूटीज हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि
विद लेजिस लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल। दो तरह के हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। पहला है जिनका अपना होता है विधानमंडल और दूसरा है जिनका अपना विधानमंडल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी यूटी जीएसटी लगता है उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है जहाँ पर उनके अपने विधानमंडल नहीं हैं। आप इस बात को समझेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, समझते हैं परिभाषा को, आप लोग देखेंगे। परिभाषा कहती है कि यूटी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत ऐसा जीएसटी है जो भारत के ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है जिनके अपने विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर नहीं हैं। आप लोग डेफिनेशन में समझेंगे कि जो भी यूटी जीएसटी है वह हमारे पास जो भी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, क्योंकि हमारा जो जीएसटी है वह इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जो जीएसटी को रखा गया है, इस जीएसटी में यूटी जीएसटी एक ऐसा जीएसटी है जो उन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है जिनके अपने विधानमंडल नहीं हैं यानी जिनके अपने लेजिस्लेचर नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी यूटीज हैं वो अगर विदाउट लेजिस्लेचर हैं तो उन्हीं में हमेशा का हमेशा लगाया जाता है क्या यूटी जीएसटी। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। जब कभी ऐसे यूटीज के मध्य माल एवं सेवाओं की पूर्ति की जाती है तो यूटी जीएसटी लागू होता है। और यहाँ पे आप लोग समझेंगे, कहा जा रहा है कि अगर इस तरह के केंद्र शासित प्रदेशों से माल और सेवाओं की पूर्ति की जाती है, सप्लाई की जाती है, पूर्ति मतलब सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पर इस तरीके से यूटी जीएसटी लागू होता है, लगा दिया जाता है। आगे कहा गया है कि भारत में वर्तमान में ऐसी 5, समझ आता हूँ 6 है, तो 6 यूटी इस प्रकार से हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है चंडीगढ़, दूसरा लद्दाख अभी कुछ समय पहले बना है, तीसरा है दमन एवं दीव, चौथा है दादरा नागर हवेली, पांचवा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और छठवां है लक्षद्वीप। तो ये 6 हमारे पास यूटीज हैं जो भी क्या है, जो भी ऐसे यूटीज हैं जहां पर क्या होता है वर्तमान समय में यूटी जीएसटी लगाया जाता है। आप लोग सारे के सारे नाम याद रखेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो ये लद्दाख है जीएसटी में पहले तो नहीं था, क्योंकि जीएसटी 2017 में ही आया था, तो उसके बाद से कब लद्दाख को यूटीज में जोड़ा गया है? आप लोग थोड़ा इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, इसका आंसर दें कि किस समय से लद्दाख को यूटीज की श्रृंखला में रखा गया है, यूटीज में जोड़ा गया है जो भी इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया है कि विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, थर्ड स्टेप पे हम लोग आ जाते हैं। पहली विशेषता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में लगने वाला जीएसटी, जो भी यूटी जीएसटी है, हमेशा का हमेशा केंद्र शासित प्रदेशों में ही यानी यूनियन टेरिटरी में ही लगता है। आप लोग इसको कंसीडर करेंगे, बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे। दूसरा है ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है जिनके अपने विधानमंडल नहीं हैं, यानी जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे चंडीगढ़, लद्दाख जो भी कुछ समय पहले बना है, दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तो इन सारे के सारे जो भी यूटीज हैं इनमें ही लगता है, क्योंकि इनके अपने क्या हैं विधानमंडल यानी लेजिस्लेचर नहीं हैं। आगे चलते हैं। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं लगता जिनके अपने विधानमंडल हैं, यानी जो भी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने विधानमंडल हैं
उनमें तो लगता ही नहीं है यूटी जीएसटी, आप लोग इसको समझेंगे। वे कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी। तो हमारी कंट्री में दो तरह के यूटीज हैं जिनके अपने विधानमंडल हैं, उन सारे केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी जीएसटी नहीं लगता है। और यहाँ पर अगर जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके अपने विधानमंडल हैं और वहाँ पर यूटी जीएसटी नहीं लगता है तो क्या लगता है? तो आप लोग बात को ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर लगता है एसजीएसटी। ओके, क्लियर है ना? आगे चलते हैं। चौथा है पूर्तिकर्ता यानी सप्लायर के द्वारा बीजक, जिसको इनवॉइस कहते हैं, आगे में अलग से दिखाया जाता है। आपको मैंने पहले ही जो वीडियोस दिखाए हैं, समझाए हैं, बताए हैं सीजीएसटी के और एसजीएसटी के, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जब कभी भी इनवॉइस आप लोग लेके आते हैं किसी भी दुकान से, कहीं से भी, किसी भी शॉपिंग मॉल से, तो वहाँ पर जो भी टोटल आइटम होता है उस पर दो तरीके से जीएसटी लगा होता है। पहला होता है सीजीएसटी तो लगेगा ही अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो यहाँ पर, और एसजीएसटी लग जाता है। लेकिन अगर इंट्रा यूटी सप्लाई है तो यहाँ पर एसजीएसटी की जगह पे यूजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी लग जाता है। जो भी टोटल इनवॉइस होता है उस टोटल इनवॉइस को टू पार्ट्स में टैक्स लग जाते हैं, जो भी आधा भाग होता है वह यूटी जीएसटी का होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे चलते हैं। पांचवा और अंतिम में कहा गया है कि जीएसटी की घोषित दरों में आधा भाग जो भी है वह यूटी जीएसटी का होता है। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। और इनवॉइस में क्या होता है दिखाया जाता है वो भी यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया और जान लिया। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास और कोई प्रश्न है जीएसटी से जुड़े हुए तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें बेझिझक जरूर बताएँ, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने जीएसटी के पिछले भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है, आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जीएसटी को टोटल हम लोग बढ़िया से समझेंगे और जानेंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।